वेलकम टू माय चैनल एंड मैं आप सबको आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमें आज की जो सिचुएशन चल रही है उसमें उसको फॉलो करना इज नॉट यू नो इट्स वेरी कंपल्सरी, हमको वो फॉलो करना ही करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी चल रहा है कोरोना वायरस, और दोस्तों हम लोग बाहर नहीं जा रहे घर के, लेकिन कुछ ऐसी असेंशियल चीजें हैं जो कि हमें हमारी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस भयंकर सिचुएशन में हम अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें। हम सब मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हम बाहर जाने से पहले पूरा मेक श्योर कर रहे हैं कि हाथ हमारे सैनिटाइज हों, बाहर से आने के बाद हम हमारे हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं। बट सब्जियां और फ्रूट्स ऐसी चीज है जो हम बाहर से ला रहे हैं, बट ये एक फैक्ट है कि जो वायरस है वो सिर्फ पानी से धोने से नहीं निकलता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू वॉश आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका प्रोसेस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आप लोग भी इसी तरह से फॉलो करेंगे। मुझे पता है थोड़ी बहुत मेहनत हमारी ज्यादा होती है, हमारा काम बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों जान है तो जहान है। अगर हम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जब पूरा घर का काम कर रहे हैं, आज ना कोई बाई है ना कोई कुछ है, आज पूरा 24/7 हम लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अगर हम बाई को बुलाएंगे, मेट्स को बुलाएंगे, इट्स अ वेरी रिस्की फैक्टर फॉर आवर फैमिली। एट द सेम टाइम अगर हम बाहर से वेजिटेबल ला रहे हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, बट उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट सो गुड फॉर अस। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली आपको न्यू अपडेट जो भी मेरे चैनल पे मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगी तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए हमारा क्लीनिंग प्रोसेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्लीनिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आपको मैंने बताया, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हम सब्जी लाते हैं तो उसको कैसे वॉश किया जाए। सो देखिए, ये मेरा पूरा वेजिटेबल का बैग है जो मैंने पूरा ग्रॉसरी वेंडर से लेके और अपना लाके घर में रखा है, और मैं इस बैग को आफ्टर शॉपिंग कम से कम 20-25 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं इसका क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। और इसमें सब कुछ है, फ्रूट वेजिटेबल। हमारे बिल्डिंग में ही नीचे एक वेजिटेबल वेंडर आता है वीकली, हम उसी से पूरा वेजिटेबल हमारा जो भी हमें लेना होता है, फ्रूट्स वेजिटेबल, हम उससे बाय कर लेते हैं। तो उसके बाद हम, और उसमें भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाता है दोस्तों। सो देखिए, हम यहाँ पे दो बकेट ले लेंगे, उसको हाफ हाफ मैंने पानी से फिल किया है, और इसको हम हमारी वेजिटेबल वॉशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है एक बकेट में करीबन 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, और उसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो हम हमारा यूज़ करते हैं ना विनेगर नूडल्स वगैरह बनाने के लिए, उसमें करीबन एक ढक्कन के करीबन या 2-3 टेबल स्पून ऑफ विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कैसे मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है, वैसे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमारे जो भी वेजिटेबल्स हमने ला के अलग से रखे थे उनको डिस्कार्ड कर लेंगे बैग से, और इसके अंदर डिप कर देंगे। और हम पहले ध्यान रखेंगे कि पहले बोलते हैं ना हार्ड हार्ड लाइक कैरेट हो गया या पोटैटो हो गया, वो सब पहले नीचे डालें और बाद में हल्की सब्जियां ऊपर डालें, ताकि जो हल्की सब्जियां रहेंगी वो दबेंगी नहीं। तो इसको अब हम डिप कर देंगे करीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, साफ पानी में इसको ट्रांसफ़र करके उससे वॉश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम बाहर नहीं जा रहे हैं लेकिन बाहर से हम चीज़ें घर में ला रहे हैं, तो चाहे हम बाहर जाके इन्फेक्शन को अपने घर में लाएं या बाहर की चीज़ें हमारे घर में आके हमें इन्फेक्ट करें, हमें उतना ही प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए सब्जियां कितनी अच्छे से क्लीन हो रही हैं, और मैंने ऑलरेडी इसको एक वॉश कर लिया है, दिस इज़ माई सेकेंड वॉश। इसके बाद भी दोस्तों पानी बहुत ही गंदा लगता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अब हम पूरे वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए हमारी सब्जियां कितनी चमकदार और बिल्कुल साफ दिख रही हैं अभी, और एक्चुअली देखा जाए तो अभी हमारा काम बढ़ गया है इतना इनको दो दो तीन तीन बार वॉश करने से, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट अभी मुझे ये दिख रहा है। इवन मैं तो फील भी करती हूँ कि जब हम फ्रिज से निकालते हैं सब्जियां हमारी यूज़ के लिए, तब हमें बार बार वॉश नहीं करना पड़ता है, हमें एट अ टाइम
पूरी सब्जियां वॉश एंड चॉप मिलती हैं। तो उससे होता क्या है दोस्तों, जब हम सब्जियां बनाने लगते हैं और हमारा कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। एंड सेकेंड मेन थिंग इज़ दिस कि हम अपने आप को पूरी तरह से अश्योर कर रहे हैं कि हम हमारे घर में जो भी चीज़ ला रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो भी वायरस है या जो कुछ भी उसके अंदर कुछ भी ऐसा कीटाणु है जो कि हमारी फैमिली को हार्म कर सकता है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी को ये प्रोसेस इसी तरह से करना चाहिए। तो देखिए, अब मैं सेकेंड टाइम अपनी वेजिटेबल वॉश कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक मेरा ओल्ड बेडशीट लिया है जिसको मैं अब बेड पे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही उसको कुछ भी सुखाने करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, पूरी वेजिटेबल अच्छे से वॉश कर रही हूँ और उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, वॉश करने के बाद पूरी वेजिटेबल मेरी ये बेडशीट के ऊपर सूखने के लिए रख दूंगी करीबन 15 से 20 मिनट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि यूज़ करने के वॉश करने के बाद पानी का जो हालत है वो देखिए अभी भी कितना गंदा है, जो कि मैंने इसको तीसरी बार भी वॉश किया है। इसीलिए कह रही हूँ प्लीज़ डू दिस थिंग, अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए सभी को ये करना चाहिए। और देखिए मैंने पूरी सब्जियाँ मेरे अच्छे से फैला दी है, पूरे फ्रूट्स भी मैंने फैला दिए हैं और मैं इन सबको रखूँगी करीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से। और उसके बाद मैं इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी अच्छे से चॉप करके। सो गाइस, ये था मेरा वेजिटेबल एंड फ्रूट क्लीनिंग प्रोसेस। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर अपडेट्स। सो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में। बट please subscribe my channel to get more updates. So stay tuned with me and I'll see you in my next video. Till then, bye-bye.